स्टूडेंट्स, अभी जो लास्टली ये टॉपिक है उसको हम लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का उसको अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड का प्रॉब्लम है, ठीक है। लिखेंगे द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, m4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 इंटू 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर और प्लस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, और फिर लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आई स्क्वायर और एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आई स्क्वायर, चूंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 1। दिस इंप्लाइज एम इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस 2i और m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस 2i। अब देखिए ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स भी है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है और रिपीटेड है, क्योंकि प्लस माइनस 2i यहां भी है, प्लस माइनस 2i यहां भी है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 प्लस सी टू एक्स ई टू डी पावर सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस टू एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन टू एक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।